अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तनवीर अब्बास और आज हम बात करेंगे 7 साइंस ऑफ इमैच्योर पर्सन कि वो क्या 7 अलामत हैं जो कि शो करती हैं कि हम अभी नादान हैं। तो सबसे पहले पे आते हैं ऑब्सेशन विद लुक। जो एक इमैच्योर पर्सन होता है वो हमेशा अपने लुक्स के बारे में ऑब्सेस होता है, हमेशा ओवर थिंकिंग करता है, दूसरों के साथ कंपेयर करता है और ख़ुद को हमेशा ही कमतर फील करता है, खुद को सोचता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ऐसे कि हम सब पहले से बिलीव करते हैं कि हमको खुदा ने बुलाया है। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके साथ ये भी बिलीव करना शुरू कर दें कि खुदा ने हमको एक परफेक्ट कंडीशन में बनाया है और हम उस परफेक्ट कंडीशन में खूबसूरत हैं। दूसरे नंबर पे इरिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग हैबिट। जो इमैच्योर पर्सन होता है वो हमेशा इरिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी चीज़ उसने देखी बस ऐसे ही ख़रीद लेता है, उसको ये नहीं सोचता है क्या वाकई ही ये चीज़ मुझे ख़रीदनी चाहिए या इसको मैं ख़रीदने के काबिल हूँ। तीसरे नंबर पर आ गया ही इज़ ऑलवेज सोर लूज़र। वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है जब भी वो किसी गेम में हार जाता है, जबकि उसके बरक्स जो एक मैच्योर पर्सन होता है जब वो हारता है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है और आइंदा ज़्यादा मेहनत करने का अज़म रखता है। और चौथे नंबर पे आ गया ही ऑलवेज शेयर अ लॉट ऑफ ऑन सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया पे हमेशा ही ऐसे ही पोस्टें करता रहता है, रोज़ाना क्या खाया, क्या किया, कहाँ गया, क्या ख़रीदा, हर चीज़ वो सोशल मीडिया पर डालता रहता है सिर्फ लोगों के लाइक्स लेने के लिए, लोगों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। पांचवें नंबर पे आ गया वो सब ज़्यादा झूठ बोलता है, झूठ बोलने में वो सबसे माहिर होता है, छोटी छोटी बातों को वो ऐसे बढ़ा बढ़ा के बयान करता है और हमेशा झूठ बोलता है। नंबर पे आ गया कि वो इरिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेता, हमेशा दूसरों को ब्लेम करता रहता है, अगर वो खुद जाहिर अगर उसकी अपनी भी गलती हो फिर भी वो दूसरों को ब्लेम करता है। सातवें नंबर पे आ गया कि वो लोगों को बुली करता है, ऐसे किसी को तंग करना, मजाक के तौर पे तंग करना, ऐसे को बैठा उसको जाके मजाक करने लग जाना, जो उसको ऐसे ही तंग करने लग जाना। तो ये 7 अलामत हैं जो कि शो करती हैं कि हम अभी नादान हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन 7 चीज़ों को आप लिखें और चेक करें कि कौन कौन सी चीज़ें आप में नहीं है और कौन कौन सी चीज़ें हैं, और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। आई होप आप ऐसा करेंगे। थैंक यू।